हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है जो इस बार हैं ट्वेल्थ में और जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है। और आज का ये क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको हिंदी का पेपर देना है, क्योंकि आज मैं ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट का हिंदी में 10 नंबर कंप्लीट करा के रहूंगा। और ये तो कंप्लीट होता ही है, ये फिक्स होता है। आप सभी को पता है कि जो जीवन परिचय होता है, साहित्यिक परिचय जिसको हम लोग कहते हैं, उसका नंबर फिक्स होता है। अब कंफ्यूजन क्या रहता है हमारे स्टूडेंट में, जैसे आप लोग ट्वेल्थ में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर हमारे बोर्ड एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय आता है, फिर हमें जीवन परिचय भी लिखना होता है। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि जीवन परिचय क्या होता है, साहित्यिक परिचय क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, और हमें ट्वेल्थ में कैसे जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को लिखना होता है और उनकी रचनाओं को लिखना होता है। मतलब जैसा आज मैं बताऊंगा, अगर ऐसा लिखकर आओगे तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है ना, वो भी कहेगा बेटा ये ले 10 में 10 ले, इस पे तेरा ही हक है। अब 10 नंबर का जीवन परिचय मतलब 5 नंबर लेखक का और 5 नंबर कवि का। तो आज मैं ट्वेल्थ हिंदी में जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखने का सबसे बेहतरीन और शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक का मतलब जो इसको लिखने का सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। तो भैया आज कर लो 10 नंबर पक्का, क्योंकि ये क्लास बार बार नहीं मिलेगा। छोटा सा क्लास है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करें। देखो सबसे पहले ये जान लो स्टूडेंट, जीवन परिचय में आपको लिखना क्या क्या होता है। जीवन परिचय, देखो मैं जीवन परिचय शब्द का यूज कर रहा हूं। आप ट्वेल्थ में हैं, आप कहेंगे सर साहित्यिक परिचय हमारे में आता है। देखो मैं नाम भले ही जीवन परिचय का ले रहा हूं, लेकिन हम लिखेंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, तीनों को हम लिखेंगे, ठीक है। बस मैं नाम पुकार रहा हूं प्यार से। तो जीवन परिचय में लिखने के लिए आपको तीन चीजें ट्वेल्थ में, तीन हेडिंग डालना होता है। सबसे पहला हेडिंग होता है जिस लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे, जीवन परिचय में हम लिखेंगे इनका जन्म कहां हुआ, इनके माता पिता है तो उनको लिख दीजिए, इनकी शिक्षा लिख दीजिए और इनकी मृत्यु, मतलब 4 से 5 लाइन सिर्फ आपको लिखना है, बहुत बड़ा मत लिखना। सबसे मेन हेडिंग हमारा साहित्यिक परिचय होता है। इसमें क्या लिखना होता है, इसमें हमें लिखना होता है कि साहित्य में इनका कैसा परिचय है, मतलब हिंदी साहित्य में इन्होंने जो रचनाएं की हैं, कैसी कैसी रचनाएं की हैं, किस प्रकार के ये कवि या लेखक थे, कौन कौन से इनके पुरस्कार यानी कि अवार्ड मिले हैं, वो भी आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। तीसरी चीज है रचनाएं, फिर आपको रचनाएं हेडिंग डालना है और जो जो अब तक इन्होंने लिखा है उसको आपको लिख देना है, मतलब रचनाओं में। अभी मैं बताऊंगा लाइव कि आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है। अब अगर ट्वेल्थ में हो तो मैं आपको 6 ऐसे जीवन परिचय बता रहा हूं जिसको पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका पढ़ लो, हमेशा आते हैं। दूसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है, या हरिशंकर परसाई, दोनों में से आपको एक पढ़ना है, ठीक है। आपका ये 3 लेखक का जीवन परिचय हो गया, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब कवियों पर हम चलते हैं। कवि में आप लोग पढ़ लीजिए मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लीजिए और महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद में से किसी एक का पढ़ लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर सुमित्रा नंदन पंत जी भी इंपॉर्टेंट है, तो आप जितना पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना उतना है ताकि ऑप्शन में वो आ जाए, ठीक। आप चैप्टर को गिन लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप उतना तैयार कर लीजिए, ठीक। बाद में मत कहिएगा सर जी ने ये कहा ये नहीं आया, तो ऐसे आपको पढ़ना है। तो ये 3 चीजें होती हैं एक जीवन परिचय को लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, इनका जन्म कहां हुआ, जन्म स्थान कब और कहां इनका जन्म हुआ है, ठीक है, इनके माता पिता का नाम, इनकी थोड़ी सी शिक्षा लिख देंगे और इनकी मृत्यु लिख देंगे। साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखेंगे, साहित्य में इनका कैसा परिचय है, किस प्रकार के ये लेखक या कवि हैं, किस प्रकार की रचनाएं करते हैं, ठीक है, करते थे, और इनके जो अवार्ड है, पुरस्कार जो इनको मिले हैं, वो भी हमें लिखना है। रचनाओं में तो जो इन्होंने लिखा है वो सब आपको लिख देना है। तो ये तो था कि आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है, एक रोड मैप मैंने आपको बता दिया कि ये हेडिंग डालना है।
अब हम एक लेखक का जीवन परिचय लेंगे और उसको लिखना सीखेंगे, कैसे आपको लिखना है। देखो सबसे पहले हम एक लेखक का जीवन परिचय ले लेते हैं। इनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 12th हिंदी में, इनका जीवन परिचय काफी ज्यादा आता है। तो इनके जीवन परिचय को लिखेंगे कैसे, तीन हेडिंग रहता है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं। ये हेडिंग आपको नहीं डालना है, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। आपको केवल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डालना है, फिर जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालना। ये हेडिंग है जीवन परिचय, ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ये जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है, फिर आपको लिखना है हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब इनका जन्म कब और कहां हुआ था, ये आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है जीवन परिचय हेडिंग डाल के। उसके बाद में इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो भैया जब वो इतने ज्ञाता थे तो उनके जो पुत्र हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो भी होंगे, संगत का असर तो होता ही, आपको पता ही है, ठीक है। आगे देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस अब आपको इनकी मृत्यु लिखनी है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय में आपको 4 से 5 लाइन लिखना है, एक आध लाइन आप और बढ़ा सकते हैं, बस बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि आपका लिमिट होता है जीवन परिचय 80 शब्दों में शायद होता है, तो उतने में ही आपको लिखना है, बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरे हिंदी का पेपर सॉल्व करना होता है, सिर्फ जीवन परिचय तो लिखना नहीं है कि लिख कर चले आए, ठीक है। तो जीवन परिचय में समझ में आया कि इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनके पिता का नाम, इनकी शिक्षा थोड़ी सी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, और इनकी मृत्यु लिखिएगा, बस जीवन परिचय हो गया। अब आप कहेंगे सर जी ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अभी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आ जाए तो क्या करेंगे। सेम प्रोसेस, उनका जन्म, जन्म स्थान, उनके पिता हैं तो उनका नाम, उनके शिक्षा थोड़ी सी, और उनकी मृत्यु, अगर कोई कभी भी आते हैं तो भी आपको यही प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग जीवन परिचय। दूसरा हेडिंग देखिए, मैंने बताया तीन हेडिंग इसमें रहते हैं, दूसरा है साहित्यिक परिचय। खूब प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, ये लाल पीला हरा ये सब पेन बिल्कुल मत यूज करना, नहीं तो नंबर कम, तुरंत कट जाएगा नंबर। कितना भी सुंदर आप लिखेंगे, कितना भी ब्यूटीफुल आप लिखेंगे, फिर भी नंबर कट जाएगा। अट्रैक्टिव होने के साथ साथ आपको कलर मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है, ठीक, मतलब ब्लू ब्लैक बेटर है। देखो साहित्यिक परिचय का मतलब इनका साहित्य में कैसा परिचय है वो आपको लिखना होता है। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर, हम सिर्फ एक टीचर हैं, हमारे अंदर यही क्वालिटी है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपके अंदर यही क्वालिटी है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लीजिए थोड़ा सा, मतलब ये हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार थे, इतिहास लेखक थे, अन्वेषक थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे, और इसके अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी क्वालिटीज लेकर एक व्यक्ति अगर रहेगा तो वो कितना ग्रेट होगा आप खुद ही समझ सकते हैं, इसीलिए शायद आज हम इनको अपने चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी महानता के कारण। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, मतलब वो संस्कृत के और इन सब के प्रकांड विद्वान भी थे। देखो इनकी क्वालिटीज हम लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य में ये कैसी कविताएं, सॉरी कैसी लेखनी करते थे, किस प्रकार के ये थे, क्या क्या थे, वो सब हम लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ, ये रविन्द्रनाथ कर दीजिएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया, ठीक है, ये सब आपको लिखना होता है इनके साहित्यिक परिचय में, ठीक। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है, ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट
पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। देखो लास्ट लाइन में मैंने इनके अवार्ड को भी लिख दिया है जो इनको पुरस्कार मिला, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, इनके हिंदी लेखकों में अग्रण है, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, मतलब इनको डीलिट की उपाधि मिली, पद्म भूषण मिला और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इनको मिला। बस हो गया साहित्यिक परिचय में आपको क्या क्या लिखना था, ये कैसे थे, इतिहासकार थे, निबंधकार थे, जो भी थे आपने लिखा, किस प्रकार की रचनाएं करते थे और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो इतना बड़ा आप लिख सकते हैं, मैं साइड में हूं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। अब हम इनकी रचनाओं पे चलते हैं, किसी भी लेखक या कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, साहित्य में किस प्रकार की वो रचनाएं करते थे, क्या थे, वो सब आपको लिखना होता है साहित्यिक परिचय में। चलिए रचनाओं पे चलते हैं, रचनाएं देखो हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा रचनाएं, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, ऐसे लिखेंगे और हेडिंग डाल डाल के इनकी रचनाओं को लिखेंगे। जैसे इन्होंने कौन कौन से निबंध संग्रह को लिखा, तो निबंध संग्रह हेडिंग डालेंगे ब्लैक से और इनके निबंध को लिखेंगे। आलोचना साहित्य में क्या लिखा उसको हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इतिहास में क्या लिखा उसको लिखेंगे। देखो निबंध संग्रह में इन्होंने अशोक के फूल, जो आप में चैप्टर है, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। अब इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं कि भैया कुटज किसका निबंध संग्रह है, विचार प्रवाह किसका निबंध संग्रह है, तो आज ही पढ़ लो ना, काम खत्म कर दो, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, दिमाग में बैठा लो ताकि बाद में फिर बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस में आप डूब जाओगे फिर इसको याद नहीं आएगा। आलोचना साहित्य देखो सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी आलोचना वाली रचना है, जैसे ये आलोचक भी थे ना, तो आलोचना साहित्य की रचनाएं हैं। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये सब इनकी इतिहास की रचनाएं हैं। थोड़ा सा और होगा शायद, ये देखो अभी और है, देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा लिखो, आप चाहो तो रचनाओं में देखो ध्यान देना, आप चाहो तो निबंध वाला लिख सकते हो, इतिहास लिख सकते हो और उपन्यास लिख सकते हो, जो मेन मेन है, लेकिन पूरा लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उपन्यास में देखो क्या क्या इन्होंने लिखा है, देखो उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास की रचनाएं हैं। तो आपको निबंध और उपन्यास जरूर लिखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रचनाओं में, ठीक है। संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, इनके संपादन की रचनाएं हैं। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक, ये सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। बस रचनाएं भी हो गई। तो अगर ऐसे लिखोगे किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, तो आपको 5 में 5 नंबर एक का मिलेगा लेखक का, कवि का मिलाकर 10 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। एग्जामिनर भी कहेगा ले बेटा तू 10 में 10 ले जा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा इसको, कि आपको जीवन परिचय लिखते समय 3 हेडिंग डालना है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, ठीक है। जीवन परिचय में आपको इनके जन्म, जन्म स्थान, इनकी थोड़े माता पिता का नाम, पढ़ाई और इनकी मृत्यु लिखनी है। साहित्यिक परिचय में साहित्य में इनका कैसा परिचय है, किस प्रकार के ये लेखक या कवि थे, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला। रचनाओं में इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सबको लिख दीजिए, काम खत्म। तो अगर ऐसे लिखकर आओगे जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, तो आपको एग्जामिनर पूरे के पूरा नंबर देगा, वो मजबूर हो जाएगा आपको पूरा नंबर देने के लिए। तो आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक ठोको, सब कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।